बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आसिम अक्सर, फाउंडर रावीनी कम्युनिटी वेलनेस प्रोग्राम, फाउंडर माहौर फिटनेस क्लब, आप सबको नया साल मुबारक। नए साल के शुरुआत से ही रावीनी कम्युनिटी वेलनेस प्रोग्राम ने और माहौर फिटनेस क्लब ने एक नई जो है वो कदम रखा है, जो कि डायरेक्शन थी फ्रॉम द वर्दी वाइस चांसलर ऑफ इंडियन मेडिकल यूनिवर्सिटी और हमारे पैटर्न चीफ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद उमर और जो हमारी चीफ एग्जीक्यूटिव हैं प्रोफेसर बुशहार, एंड द सिमिलरली जो हमारे पैटर्न्स हैं प्रोफेसर मुजीब खान और प्रोफेसर उस्मान कुरैशी, उनकी तरफ से भी डायरेक्शंस थी कि नया साल 2023 में रावीनी कम्युनिटी वेलनेस प्रोग्राम ने एक नए अज़्म का अदा करना है और नई डायरेक्शंस की तय्यन करना है। सो वी हैव डन दैट थिंग्स और जो हमारे मीरेबल आउटकम्स हैं हमने उसकी तरफ मूव करना है। और आज मोरहा 26 जनवरी 2023 एप्समा जो कि ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन है उसके साथ हमारी आज बड़ी हेल्दी डिस्कशंस हुई हैं एंड दे ऑनर्ड अस इन द रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी। और हमारे जो बेसिकली वी आर गोइंग टुगेदर इंशाल्लाह और जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पे एक नए जज्बे को जगाने के लिए और जो हमारी कौम है उसके अंदर एक ज़हनी और जिस्मानी पुख्तगी को लाने के लिए भी हम काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो कि स्ट्रेस मैनेजमेंट लेवल है बच्चों के अंदर और जो टीचर्स के हवाले से और जो कम्युनिटी के अंदर है, पेरेंट्स लेवल पे है, उसको भी एड्रेस करने जा रहे हैं। पेरेंटिंग के जो पैटर्न्स हैं उनको भी सेट करने जा रहे हैं, एड्रेस करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो कम्युनिटी की स्क्रीनिंग लेवल्स हैं यानी बच्चों के जो अर्ली डिटेक्शंस हैं और उनको ये भी कि जो कैपेसिटी बिल्डिंग की फोर्सेस हैं वहाँ पे बच्चों को हम ट्रेनिंग एनवायरनमेंट के हवाले से भी प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दे आर मेनी मोर प्रोग्राम्स विच आर गोइंग टू बी हेल्ड इंशाल्लाह वेरी वेरी सून इन ऑल स्कूल्स ऑफ द पाकिस्तान, स्पेशली वी आर स्टार्टिंग फ्राम द रावलपिंडी। सो इंशाल्लाह वी आर होपिंग दैट ईयर 2023 जो है इंशाल्लाह हम इसको जिस तरह से प्लान आउट कर रहे हैं उसी तरीके से आगे मूव करते रहें। और दुआ ये है कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को खुशहाली की तरफ लेके जाए और सुदगी की तरफ लेके जाए और इसके साथ साथ जितनी भी नाहगानी अफात हैं और उस तरह की जो मसाइल हैं और कोई भी ऐसी जो कि दहशतगर्दी के मामलात हो गए और बहुत सारी और जो प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान जो बैरूनी साजिशें हैं उनको वो जो है वो अल्लाह ताला उनसे दूर रखे और हम एक स्मूथ डायरेक्शन की तरफ बढ़ सकें। तो अल्लाह करे कि सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ हों तो इंशाल्लाह हम 2023 को बहुत ही अहसन तरीके से इंशाल्लाह गुजारने के लिए जा रहे हैं। और सारा क्रेडिट जो है ये इस सारी हवाले से जो अभी तक 2015 से लेके 2022 तक हुआ है वो डॉक्टर उमैमा आसिफ जो कि प्रेसिडेंट रावीनी कम्युनिटी वेलनेस प्रोग्राम है एंड प्रीवियसली जो फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हैं मुशर्रफ एंड रिफत, इसके साथ साथ जो कि अभी साद आसिफ एंड तहसीन हैं, इसके साथ जो बाकी हमारे ऑफिस बेयरर्स हैं उनको जाता है। और वी फील इन अ पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक वे कि जो 2023 की रावीनी कम्युनिटी वेलनेस प्रोग्राम की इंशाल्लाह टीम है वो मज़ीद बेहतरी और मज़ीद जो है वो अहसन तरीके से अपना कारकर्दगी सर अंजाम देगी। सो हम सब ने अपने किरदार को पहचाना है, अपना जो हमारा पाकिस्तान की तरफ हमारा जो सोच है वो मस्बत होनी चाहिए कि हमने पाकिस्तान को क्या देना है। और यही सोच अगर हमने एक इकाई यानी मेरे में और हम सब में एक जैसी होगी तो पाकिस्तान एक डायरेक्शन में मूव करेगा। हमने पाकिस्तान को साफ रखना है, हमने पाकिस्तान को ग्रीन करना है, हमने अपनी जो ट्रैफिक की कानून की पाबंदी करनी है, अपने बच्चों को ये सिखाना है कि आपकी जो समाजी ज़िंदगी है वो कैसे गुजारनी है, आपके घरेलू जो मामलात हैं वो कैसे करने हैं। तो तरबियत और तालीम ये साथ साथ होती है, तो इस तरफ हम सब की तवज्जो मबजूल कराना चाह रहे हैं। और इस वीडियो के थ्रू भी जिस जो हमें सुन रहे हैं काइंडली हमारा साथ दें और पाकिस्तान को मुस्तहकम और मुस्बत और खुशहाल पाकिस्तान बनाने में अपना भी किरदार अदा करें। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।